एक क्रूर नरपिशाच जिसके अंदर मानवीय संवेदना थी ही नहीं, पूरी तौर पर अमानवीय था, ऐसे सज्जन को दुर्जन सिद्ध करने में कोर्ट को 35 साल लग गए। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं 1984 में सिख विरोधी जो दंगे हुए थे, हजारों लोग मारे गए थे, जला दिया गया था, पीट पीट कर मौत के घाट उतार दिया गया, संपत्तियां लूटी गईं, गुरुद्वारे जला दिए गए। ऐसी नृशंसता की पराकाष्ठा जो 1984 में हुई थी, अभी दिल्ली उच्च न्यायालय के दो न्यायाधीशों की खंडपीठ ने कल के दिन एक बड़ा फैसला दिया है जिसमें तीन बार लोकसभा के सदस्य रहे सज्जन सिंह सहित अन्य लोगों को आजीवन कारावास की सजा दी गई है, यानी पूरा जीवन उनका जेल में ही बीतेगा, अंतिम समय भी जेल में ही कटेगा, ऐसा माना जा रहा है। न्यायाधीश मुरलीधर एवं विनोद कुमार गोयल की खंडपीठ ने यह ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए कहा है कि वह दंगा नहीं था, दंगा हो ही नहीं सकता, पूरी तौर पर नरसंहार था जहां किसी की बात कोई सुनने वाला नहीं था। पगलाई भीड़, आतताई लोग, उन्माद से आच्छादित जो ऐसे राष्ट्रघाती तत्व थे, वह केवल मार काट कर रहे थे। जहां देखा कि यह सिख समुदाय के लोग हैं, मारना, पीटना, प्रताड़ित करना, उन्हें जिंदा जला देना और उनकी संपत्ति लूट लेना, गुरुद्वारे को जला देना, ऐसा उन लोगों ने कुकृत्य किया। इन्हीं कुकर्मियों में से सज्जन सिंह हैं, 73 वर्षीय सज्जन सिंह उन दिनों दिल्ली के सांसद हुआ करते थे। आज हमारे पास है हिंदुस्तान समाचार पत्र जिसका उदाहरण पेश करते हुए मैं बताना चाहूँगा, इनके ऊपर जो धाराएं लगी हैं वो हत्या की धारा है, आईपीसी की धारा 302 जिसमें उम्र कैद की सज़ा सुनाई गई है, धारा 436 गृह आदि को नष्ट करने के आशय से अग्नि या विस्फोटक पदार्थ द्वारा कुचेष्टा, इसमें 10 साल की कैद है और 1,00,000 रुपये जुर्माना है। इसी प्रकार धारा 15(3)(a) आईपीसी की धारा 153 उन लोगों पर लगाई जाती है जो धर्म, भाषा, नस्ल वगैरह के आधार पर लोगों में नफरत फैलाने की कोशिश करते हैं। इसके साथ ही अन्य धाराएं भी लगाई गई हैं। कुल मिलाकर के सज्जन को दुर्जन बताने में लग गए 35 साल। दोनों न्यायाधीशों ने फैसला सुनाते हुए उनकी आंखें डबडबा गई थी, एक बार आंखों, सजल आंखों को एक बार साफ किया, फिर फैसला सुनाया, 203 पेज का फैसला सुनाते हुए काफ़ी भावुक हो गए और अंत में हाथ जोड़ करके वह लोग चले गए फैसला सुनाने के उपरांत। इस पूरी कहानी में 2733 लोग केवल दिल्ली में मारे गए हैं, 1 नवंबर से लेकर के 4 नवंबर 1984 में कुल इतने लोगों की हत्या हो गई। पुलिस मूक दर्शक बनी रही, नेता ललकारता रहा, भीड़ को उकसाता रहा, उन्मादी लोग चलाते रहे, फूंकते रहे, हत्याएं करते रहे, सरकार मूक और बधिर के तौर पर संज्ञा शून्य बनी रही और निष्ठा की पराकाष्ठा को अंजाम दिया गया। पूरे घटनाक्रम में कुछ नाम हैं, जैसे जगदीश कौर के पति हरबिंदर को जला दिया गया, हरबिंदर के बेटे हरप्रीत की भी जान ले ली गई, उसके अलावा जगदीश कौर के जो घर के अन्य सदस्य हैं, नरेंद्र हैं, रघुविंदर हैं, कुलदीप हैं, उनकी भी हत्या कर दी गई और निर्मल सिंह को उनकी 16 वर्षीय बेटी निरप्रीत के सामने ही पहले बुरी तरह से पीटा गया, आतताइयों ने पीटा निर्मल को, पीटते पीटते जब अधमरा हो गए, पानी मांगते रहे, पानी नहीं मिला, उसके बाद जला दिया गया। दोस्तों, आपने यह केवल दिल्ली की ही घटना नहीं है, इस पर अच्छा किसी को कोई यह कहने लायक नहीं है कि हम बहुत अच्छे हैं, कोई दल इस बात का दावा नहीं कर सकता कि इस मामले में हमने बेहतर प्रदर्शन किया है, हमने राजधर्म का पालन किया है और इस दंगे के आरोपियों को, जो नरसंहार की संज्ञा दोनों जजों ने दिया है, उनके आरोपियों को सजा दिलाने के लिए हमने महती भूमिका निभाया, ऐसा कोई नहीं कह सकता। नानावटी आयोग भारतीय जनता पार्टी के समय में बना था, आयोग की जांच लंबे समय तक चली, क्रियान्वयन नहीं हुआ, कांग्रेस ने तो अपना चेहरा बिगाड़ा ही था और लोगों ने भी। अब आप देखिए, या तो केवल दिल्ली की हाल है,
इसके अलावा मध्य प्रदेश से लेकर के उत्तर प्रदेश के भी तमाम शहरों में। अभी देखिए याद आ गया, अभी हमने इंस्पेक्टर लोहा सिंह के साथ एक वीडियो किया था जिसमें इंस्पेक्टर लोहा सिंह उस समय कानपुर में तैनात थे। विश्वविद्यालय की छात्राओं ने एक सिख को पकड़ लिया था, पकड़ करके बुरी तरह से पीटा, तेल छिड़क दिया था। तेल छिड़कने के बाद चलाने जा रही थी तब तक लोहा सिंह पहुंचे, उन्होंने मना किया, लड़कियों ने नहीं माना। उसमें प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कोई थे, उनकी लड़की भी थी, उसने अपना परिचय दिया। जब लड़कियों ने नहीं माना तो लोहा सिंह ने बल प्रयोग किया, जैसा कि उन्होंने अपने वीडियो में बताया है, दो दो डंडा चलाया। उसके बाद लड़कियों ने धौंस दिया, पुलिस उत्पीड़न का मामला बना। यह कई विधानसभा लोकसभा में प्रश्न लगाए गए अकॉर्डिंग टू लोहा सिंह। तो उन्होंने बताया कि किस तरह से हमने वो घिघिया रहा था, कांप रहा था। दोस्तों, अगर मृत्यु आपके सामने होगी, जैसे कोई पिस्टल लेकर के तैयार हो जाए अथवा चारों तरफ से चाकू, भाला, बल्लम और इस तरह के शस्त्र हों जिससे नृशंस हत्या आपकी की जा सकती है, आपकी क्या दशा होगी, मनोदशा होगी, वह तो जिसने भुगता होगा वही जानेगा, कल्पना की जा सकती है। तो उस तरह से तमाम सिखों को जलाया गया। हम तो गाजीपुर के हैं, वाराणसी बगल में वाराणसी है, यहाँ भी कई दुकानें लूट ली गई, जला दिया गया, मारा पीटा गया, क्या क्या हुआ। इलाहाबाद, कानपुर सहित अन्य शहरों में, लखनऊ में, दिल्ली तो पूछना ही क्या है। दिल्ली जो दिल वालों की राजधानी कही जाती है, जो शहर कहा जाता है, उन लोगों ने इस तरह के निष्ठा का प्रदर्शन किया, अमानवीय चेहरा, उनका विकृत चेहरा जिस तरह से सामने आया, स्वस्थ समाज में किसी भी तरह से उसको अच्छा नहीं कहा जा सकता। कुल मिलाकर के आप इस चित्र को देख सकते हैं, इस जिस महिला का चित्र आप देख रहे हैं, यह इनकी भी आंखें सजल हो गई हैं, इन्हीं के पति को जला दिया गया था, जगदीश कौर हैं यह, और निर्मला जो उस समय 16 साल की थी, 35 साल उम्र बीत गई। यह लोग लगातार कोर्ट में अपने पक्ष का प्रदर्शन करती रही। 2013 में सज्जन को बाइज्जत सज्जनतापूर्वक निचली अदालत ने बरी कर दिया था। दिल्ली उच्च न्यायालय ने पुनः इन्हें सीबीआई की याचिका पर, सीबीआई को भी 5 साल लग गए हैं अपना सबूत पेश करने में, आरोप पत्र दाखिल करने में। एक तो यह है कि लोग खुशी मना रहे हैं कि सज्जन सहित अन्य जो दुर्जन हैं उन्हें सजा हुई है। दूसरी तौर पर सज्जन के लिए दरवाज़ा खुला हुआ है, अभी न्याय का अंत यहीं नहीं हो जा रहा है, वह जा रहे हैं माननीय सर्वोच्च न्यायालय में। अब माननीय सर्वोच्च न्यायालय पुनः परीक्षण करेगा, फिर से सुनवाई होगी, फिर से वह पक्ष रखेंगे, फिर से आरोपी परिवार के लोग हैं अपना पक्ष रखेंगे, फिर न्यायालय का चक्कर लगाओ, अधिवक्ताओं के पास जाओ, फिर वही तारीख, फिर वही हड़ताल, फिर दुनिया भर का ऐसे चलता रहेगा। तो अब 35 साल के बाद 40 साल हो जाएंगे, 5 साल लगभग चलेगा, जो भी चलेगा मैं नहीं जानता, चाहे तो 1 महीने में फैसला कर सकते हैं। अब चलेगा तो सज्जन तो इसी बीच चले जाएंगे, दिवंगत हो जाएंगे। तो मुझे नहीं लगता, पता नहीं, आपसे भी मैं प्रश्न करना चाह रहा हूँ, आपने कभी सुना है किसी नेता की मौत जेल में हुई है, सजा काटते हुए किसी की मौत? मैंने नहीं सुना, शायद हो सकता है आप जानते होंगे। यह प्रश्न आप पर मैं छोड़ता हूँ, आप बताएंगे कि अमुक नेता की मृत्यु जेल में सजा याफ्ता कैदी के रूप में हुई है। इस तरह से अभी भी इस पर विचार करने की आवश्यकता है। ऐसे मामले जहाँ न्याय इतना लंबित हुआ, देर से न्याय मिलना न्याय न मिलने के समान कहा जाता है, तो 35 साल के बाद 10 साल 5 साल और लगेगा। ऐसे में जो आरोपी हैं वह तो अपनी मौत मर जाएंगे, उन्हें इस बात का एहसास भी नहीं होगा। फिर इस प्रकार के कुकृत्य अपराध और उन्माद फैलाने वाले लोग और भी इस तरह के काम करेंगे, ऐसी घटनाओं को अंजाम देंगे, उन्हें यह लगेगा यार ये सब तो होता रहता है, निर्भया कांड के आरोपियों को अभी नहीं हुई फांसी। ऐसे तमाम लोगों, मैंने तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के यहाँ क्षमादान याचिकाओं के बारे में RTI लगाया था, और मैं पहला व्यक्ति हूँ देश का जिसने राष्ट्रपति से सूचना अधिकार अधिनियम 2009 की धारा
6-1 के तहत यह याचिका आयोजित किया था, उनसे मांगा था जवाब कि कितनी क्षमादान याचिकाएं आपके पास लंबित हैं, क्षमादान याचिकाओं के लंबित होने के मूल में क्या कारण है, कब आपने गृह मंत्रालय, दोस्तों बहुत से दोस्त हमारे जानते भी होंगे, जो नहीं जानते होंगे उनको बता देता हूँ, यह सुप्रीम कोर्ट जब आदेश करेगा, फांसी की सजा का आदेश करेगा, तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को अधिकार है कि वह फांसी की सजा को समाप्त कर दे, आजीवन कारावास में परिवर्तित कर दे, उन्हें क्षमा कर दे, जो चाहे कर दे। किंतु न्यायालय ने केहर सिंह बनाम पंजाब राज्य के मामले में यह अभी निर्धारित किया है कि क्षमादान याचिकाओं का निस्तारण शीघ्र किया जाना चाहिए, देर से अगर ऐसा होता है तो न्याय व्यवस्था से लोगों का विश्वास उठेगा। और यह भी कहा कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का यह अधिकार है कि जो चाहे करें, हमारे फैसले के इतर वह आदेश देकर के उसे बाइज्जत रिहा कर दें, लेकिन हमारे फैसले को अधिष्ठित, परिवर्तित और संशोधित नहीं कर सकते, ऐसा कहा गया है। कुल मिलाकर के मैं विषयांतर हो रहा हूँ, अभी उस केस का कोई मतलब नहीं था, मतलब यह है कि अभी राजीव गांधी के हत्यारे पड़े हुए हैं, नलिनी को क्षमा करवा दिया सोनिया गांधी ने अपने ही पति के हत्या के मामले में, आप अगर जानना चाहेंगे प्रश्न करिएगा, मैं पूरा मामला बताऊंगा। इस तरह से सज्जन जैसे दुर्जन के को फांसी की सजा हो, यह होना चाहिए था, अब तक कब की सजा हो जानी चाहिए, इसकी भी आवश्यकता थी। अभी भी अगर देर से ही हुआ तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय से हम अपील करना चाहेंगे, हम पत्र भी लिखेंगे, पब्लिक इज स्टेट इन डेमोक्रेसी, लोकतंत्र में जनता मालिक है, आप सभी मालिक हैं, मालिक किसके हैं, प्रधानमंत्री जी के, मालिक किसके हैं, तमाम मुख्यमंत्रियों के, मालिक किसके हैं, महामहिम राष्ट्रपति के, मालिक किसके हैं, सर्वोच्च न्यायालय के भी मालिक हैं। और तभी सर्वोच्च न्यायालय के 4-4 जजों ने मालिक के सामने पत्रकार वार्ता करके बताया था कि सुप्रीम कोर्ट में भी इस तरह का पक रहा है, तो मालिक को खामोश होने की आवश्यकता नहीं है, मालिक सोएगा तो देश का नुकसान होगा, मालिक को जगने की आवश्यकता है, मालिक ललकारेगा, मालिक टोका टाकी करेगा, मालिक करेगा हस्तक्षेप, मालिक जो अब तक हाथ पे हाथ रख के बैठा है वह संपूर्ण चेतना के साथ अंतःकरण में ऐसे भाव प्रकट करते हुए इस प्रकार के दोषियों को ललकारेगा और जो पीड़ित हैं उन्हें न्याय दिलाने के लिए प्रतिपल सचेष्ट होगा, मालिक की हैसियत में आएगा और कहेगा फैसला जल्दी करो। मैं भी एक बार हमारे एक मामले में देखिए विषय बढ़ता जाएगा, एक मेरा भी फैसला हाई कोर्ट में विशेष लंबित था, तो मैं धरने पर बैठने जा रहा था कि हमारा फैसला जल्दी करिए, मैं अलग से कभी बताऊंगा, उस बारे में चर्चा करूंगा। आप सभी को विनम्र भाव से यथोचित नमस्कार, मैं हूं ब्रजभूषण दुबे, आज अपने घर से, अपने घर के छत पर यह वीडियो जो आप सभी तक संप्रेषित कर रहा हूं, विनम्र भाव से आप सभी के विचार भी जानना चाहूंगा। और यह भी कहना चाहूंगा कि हमारे लगभग 45,000 सब्सक्राइबर हो रहे हैं, 1,00,000 हमारे सब्सक्राइबर जल्दी हो जाएं, सभी की इच्छा होती है, मेरी भी इच्छा है। तो जिन लोगों ने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो वह लोग कर लें, यह YouTube चैनल हमारे नाम से ही है, ब्रजभूषण दुबे, BRAJBHUSHANDUBEY, ब्रजभूषण दुबे। मैं हूँ गाजीपुर जनपद से, जो उत्तर प्रदेश का एक छोटा सा ज़िला है, बड़ा खूबसूरत है, बड़ी क्रांति है इस ज़िले में भी, बड़े अच्छे लोग हैं इस ज़िले के, मैं उस ज़िले का निवासी हूँ, आप सभी को विनम्र भाव से यथोचित नमस्कार करता हूँ, धन्यवाद।